हमारे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में एक फिरियादी आई, उन्होंने फिरियाद दी कि उनके 12 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत की गई है। मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में की ये घटना है। फिरियादी अपने छोटे बेटे को लाने के लिए उनके ननंद के यहाँ गई थी, तो उसके बाद वो वहाँ जाने के बाद उनको उनके जो 12 साल की बच्ची का फ़ोन आया कि आप कब आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ और मैं थोड़ी देर बाद बेटे को लेकर वापस आऊँगी। तो जब फिरियादी वापस आई तो उनको उनके घर में बेटी उनकी किताब पढ़ती हुई मिली, तो और उनका एक प्रॉपर्टी उनकी बेचने के सिलसिले में एक व्यक्ति से उनकी पहचान हुई थी आरोपी से, तो वो आरोपी आरिफ खान नाम का वहाँ पे बैठा हुआ मिला उनके घर में। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप कब आए, तो बोले मैं करीब एक घंटे पहले आया हूँ। तो उस टाइम से वो बेटी थोड़ी सी गुमसुम और डिप्रेशन में गए जैसी हो गई थी। तो ये जो फिरियादी, इन्होंने उनका इलाज करवाया बहुत कुछ, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ये लड़की के मन के ऊपर कुछ आघात हुआ है। तो फिर विश्वास में लेकर जब फिरियादी ने उनकी बेटी को पूछा कि क्या हुआ है, तो फिर उन्होंने उसी की बेटी ने बताया कि ये जो मई 2023 के में एक व्यक्ति जो आपके पहचान का है घर में आया था, आप छोटे भाई को लेने गई थी उस वक्त, उसने मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बोले कि मैं कुछ देर बाद आती हूँ, तो उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला और दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ गलत हरकत की।